स्काई मार्केटिंग, मैं हूं आपका होस्ट सुलेमान मुबशिर और मेरा साथ दे रही हैं आज इकरा। आज हम मौजूद हैं ICCI पाकिस्तान प्रॉपर्टी हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्सपो 2021 में, और आज इस एक्सपो का फर्स्ट डे है। इकरा, आपको आप यहां पर जब आई उससे पहले आपकी क्या थॉट्स थे कि किसी एक्सपो के फर्स्ट डे पर इतना ज़्यादा रश और इतना ज़्यादा क्राउड हो? और अभी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को भी यहाँ पे प्रॉपर विजिट हुआ है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से पहले तो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर को काफ़ी रिलीफ मिला है। तो इस विजिट के हवाले से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन और बाकी सब लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है? जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं उनका इकोनॉमी की तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा रुझान है, और इकरा जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमी उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर बेस करती है बहुत ज़्यादा। तो मेरे आपको क्या लगता है कि ये एक्सपो मजीद जो फ्यूचर आने वाले साल है उसमें होगा? मुझे भी यही लग रहा है कि वैसे तो हर साल ही यहाँ पे एक्सपो का इनकार किया जाता है, बट अब जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से एक स्टेप है कि जी कंस्ट्रक्शन सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर को काफ़ी बूस्ट मिल रहा है, तो इंशाल्लाह वो मुल्क की इकॉनमी में भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले होगा। अच्छा, आगे चलते सलमान, मैं देख रही थी कि बहुत सारी कंपनीज ने लाइक अपने प्रोजेक्ट्स के आप देखें तो हमारे यहाँ पे लेफ्ट साइड पे भी स्मार्ट सिटी का प्रॉपर लेआउट प्लान वगैरह, मास्टर प्लान वगैरह डिस्प्ले किया हुआ है। उसके अलावा भी अगर देखें तो प्रॉपर अपने विलाज और जो भी अपार्टमेंट्स वगैरह हैं उनके 3D प्लान वगैरह, मास्टर प्लान वगैरह और सारी चीज़ें यहाँ पे। स्काई मार्केटिंग का भी एक अपना बहुत प्यारा एक स्टॉल है। एक्सपो और स्काई मार्केटिंग का कोई रोल प्ले ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। आपको वैसे भी पता है कि डायमंड पार्टनर है स्काई मार्केटिंग, और अंदर चलते हैं देखते हैं जी कि क्या एक्टिविटीज हो रही है स्काई मार्केटिंग के। चलते हैं, मेरे ख्याल से व्यूअर्स को और वेट नहीं करवाते, आइए चलते हैं। मैनेजमेंट की तरफ से SOPs का काफ़ी ख्याल रखा जा रहा है, कोशिश की जा रही है, वैसे तो क्राउड बहुत ज़्यादा है बट मास्क वगैरह और बाकी चीज़ों की काफ़ी रिस्ट्रिक्शन। बिल्कुल, मेरे ख्याल से इतने ज़्यादा क्राउड में इतनी अच्छी मैनेजमेंट, ये एक काबिले तारीफ बात है। मैं अभी देख रहा था, अभी हम आ चुके हैं स्काई मार्केटिंग के बूथ पे और आप हमारे पीछे देख सकते हैं जी कि क्लाइंट्स आए हैं और यहाँ पे स्काई मार्केटिंग के रिप्रेजेंटेटिव प्रॉपर फैसिलिटेट कर रहे हैं। मैं आप सबको भी दावत दूंगी, मेरे व्यूअर्स आएं यहाँ पे और स्काई मार्केटिंग की सर्विसेज जरूर लें। एक बात तो हम बताना भूल ही गई कि इस एक्सपो को 2 दिन मजीद और चलना है, यानी ये कल भी एक्सपो है और ये कल परसों भी है, और वीकेंड्स है, वीकेंड्स पे तो मेरे ख्याल से और ज़्यादा रश होगा। तो आप लोग को इनवाइट कर रहे हैं हम लोग, आप आएँ विजिट करें स्काई मार्केटिंग का स्टॉल। प्रॉपर्टी के हवाले से कोई भी इशू है आपको, यहाँ पर स्काई मार्केटिंग के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं, वो आपकी हर बात करते हैं रिप्रेजेंटेटिव से कि क्या एक्टिविटीज हैं इनकी आज के हवाले से। जी तो व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ स्काई मार्केटिंग की एक रिप्रेजेंटेटिव तस्वीर मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं कि इनका आज का दिन कैसा गुजरा। कैसी हैं आप तस्वीर? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। अच्छा, मुझे बताएं कि कैसा रहा आज का दिन और क्लाइंट्स का रिस्पांस कैसा रहा? आज का दिन काफ़ी बिजी था, इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इस तरीके से रश होगा, लोगों का आना होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा लाइक ह्यूज अमाउंट में हमारे पास क्लाइंट्स आए हैं, हमने डीलिंग की है और इट वाज सो बिजी। सही, तो मैं भी जानना चाहता हूँ, व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं कि आज आप जिन प्रोजेक्ट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहे थे वो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं? एक्चुअली हम लोग CD अप्रूव्ड सोसाइटीज़ को डील कर रहे हैं, उसके अलावा RD अप्रूव्ड सोसाइटीज़ को डील कर रहे हैं। उनमें से कुछ एक का मैं आपको नाम बता देती हूँ, जिस तरह हमारे पास है पार्टनर सिटी है, कैपिटल स्मार्ट सिटी को हम डील कर रहे हैं, तो इसी तरह RDA के जो भी अप्रूव्ड सोसाइटीज़ हैं उन सबको हम डील कर रहे हैं। सही, थैंक यू सो मच। जी, स्काई की वजह शोरत सर्विसेज और आफ्टर सेल सर्विसेज। अगर आपने आज का दिन मिस कर दिया तो आने वाले 2 दिन बिल्कुल मिस नहीं करें, स्काई मार्केटिंग के रिप्रेजेंटेटिव भी हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल, आके अपनी सर्विसेज। बिल्कुल, ये था हमारा आज का फर्स्ट डे एक्सपो का, एक्सपो का भी क्लोजिंग टाइम हो गया है। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, इकरा भी आपसे इजाज़त चाहती हैं, आपसे मुलाकात होगी कल की वीडियो में। हम कल भी आपको दिखाएंगे कि एक्सपो में क्या हो रहा है, आप खुद आके भी देखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
Thank you.